क्या सलमान खान के घर पर अटैक करने वालों को अब मिलेगी सजा? सलमान खान हाउस फायरिंग मामले में कोर्ट को अक्यूज्ड के खिलाफ इनफ सबूत मिले, और ये बात मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने कही है। रिपोर्टेडली मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने एक्टर सलमान खान के रेजिडेंस के बाहर फायरिंग से संबंधित केस की सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए 6 अक्यूज्ड के अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट को ध्यान में रखते हुए ये सुनवाई की। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र और उसके साथ दायर दस्तावेजों से पता चलता है कि आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 34 सामान्य इरादा, 120 बी आपराधिक साजिश के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत मौजूद है। Court said there is sufficient prima facie material on record for proceeding against the accused and hence cognizance of the charge sheet is taken. इस केस में शामिल अक्यूज्ड में विक्की कुमार गुप्ता, सागर कुमार, सोनू कुमार बिश्नोई, अनुज कुमार थापन, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह का नाम है, और इन सभी के खिलाफ कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। वही इनमें से एक आरोपी अनुज कुमार थापन ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली थी, जबकि बाकी के अक्यूज्ड जुडिशियल कस्टडी में है। इस महीने के स्टार्ट में पुलिस ने स्पेशल मकोका कोर्ट के सामने 1735 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जो 3 वॉल्यूम्स में वेरियस इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स को शामिल करती है। इन डॉक्यूमेंट्स में मकोक एक्ट के अंडर में दिए गए कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, 22 पंचनामास और टेक्निकल एविडेंस भी शामिल है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने 5 राउंड्स की फायरिंग की थी, जो कि बांद्रा में है। इस इंसिडेंट ने न सिर्फ पूरी इंडस्ट्री और सलमान खान फैंस को हिला दिया है, बल्कि खुद सलमान खान और फैमिली भी शॉक्ड हुई, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई ने इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, जो कनाडा में रहता है और जेल्ड गैंगस्टर बिश्नोई का भाई है।